खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज। सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पेटला ब्रुज में कोविड 19 वैक्सीनेशन का दूसरा दिन पुलिस अहलकारों के लिए मुंतखब किया गया था। लिस्ट के मुताबिक कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस का नाम भी दर्ज हुआ। इसके मुताबिक अंजनी कुमार आईपीएस ने वैक्सीनेशन से इस्तेफादा उठाया। इसके अलावा पुलिस के सीनियर अहदेदारों ने भी वैक्सीनेशन लिया। अंजनी कुमार ने तमाम पुलिस अहलकारों से गुजारिश की कि हमारी हिफाजत, हमारे अफराद खानदान की हिफाजत और शहर हैदराबाद की हिफाजत के लिए ये वैक्सीनेशन लेने के लिए आगे आए। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट तेलंगाना की जानिब से रखा गया है। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे अहदेदारों से भी शुक्रिया अदा किया। आइए सुनते हैं कमिश्नर अंजनी कुमार की जुबानी, जो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। आज सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुर्ज में दूसरे दिन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है और आज टर्न के मुताबिक हमारा आज टर्न था और आज हमने भी वैक्सीनेशन लिया। हमारे साथ सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं और फर्स्ट डे के कंपैरिजन में आज रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। अभी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स लोग बता रहे हैं कि हर जगह, हर सेंटर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और ऐसे मौके पर हम सभी पुलिस ऑफिसर को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जरूर आइए अपने सेंटर पे और वैक्सीनेशन कराइए। ये बिल्कुल सेफ है, इसका कोई रिएक्शन अभी तक कुछ नहीं हुआ है कहीं सभी लोग में। कुछ लोगों को माइनर फीवर अगर हुआ है, वो भी एक दो घंटे में सब ठीक हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। तो आप लोग बिना खौफ के जरूर आकर वैक्सीनेशन ले, ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, आपके पूरे मोहल्ले और सिटी के सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे मौके पे हम हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब को, कलेक्टर मैडम को, डीएमएचओ साहब को, सबको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इतने अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हर जगह ऑर्गेनाइजेशन है और वैक्सीनेशन के 5 मिनट के अंदर सेलफोन पर मैसेज भी आ जाता है कि आपका वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद अब 28 डेज के बाद आप फिर कराइए। तो सबको एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर अपने सेंटर पे आके वैक्सीनेशन कराएं। थैंक यू। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।